नमस्कार दोस्तों, एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे एक स्पेशल टाइप का डीसी गियर मोटर। ठीक है, ये वाला जो गियर मोटर है बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि इसका जो देखिए, एक तो बेस इसका बहुत ज्यादा पावरफुल है, 370 डीसी मोटर इसके बेस में। एंड ये वाला जो है ना, इसका सैप देख सकते हैं 90 डिग्री एंगल पे है। तो ये वाला बहुत ज्यादा पावरफुल मोटर है एंड बहुत सारे पर्पस में यूज होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था स्पेशली इस मोटर का अनबॉक्सिंग के लिए, तो आज मैंने स्पेशली इस मोटर को मंगाया है। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं एक देखिए 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एक डीसी अडैप्टर का यूज करूंगा इसके लिए। ठीक है, चेक करते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है। तो चलिए इसको पहले पावर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मोटर बहुत बहुत ज्यादा साइलेंट है। देखिए इससे आवाज एकदम ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मोटर तो बहुत ज्यादा साइलेंट है, तो चलिए अब इसको रोकने की थोड़ा कोशिश करते हैं। तो भाई देख सकते हो मोटर बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये हाथ से नहीं रुक रहा है एकदम भी। ठीक है, साइलेंट बहुत ज्यादा है एंड आरपीएम क्या है वो भी हम लोग चेक करेंगे। देखते हैं फॉरवर्ड रिवर्स दोनों तरफ रोटेशन हो सकता है कि नहीं। तो फिलहाल देखिए मैंने प्लस एंड माइनस ऐसे कनेक्ट किया था, तो प्लस को मैं अभी इधर कर देता हूँ एंड माइनस को इधर। तो जैसे कि देखा दोस्तों मोटर फॉरवर्ड रिवर्स दोनों डिरेक्शन में रोटेशन कर सकता है। अभी दोस्तों हम लोग मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे कि इसमें कितना करंट ये कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए मैं एडाप्टर का वोल्टेज आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों एडाप्टर का जो वोल्टेज आ रहा है अभी 12.48 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अभी चलिए करंट मेजर करने के लिए हम लोग को ये जो रेट प्रोब है इसको डालना पड़ेगा 10 एम्पियर में। एंड इसको मैं एम्पियर प्रोब में डाल देता हूँ, रेड वाला ऐसे कनेक्ट करता हूँ, ब्लैक वाला इस साइड पे और मल्टीमीटर वाला इस साइड पे। तो दोस्तों हम लोगों का जो करंट कंजम्पशन है बहुत ज्यादा कम है, करीब 140 थी। तो चलिए इसको मिली एम्पियर पे चेंज करके देखते हैं। वन पॉइंट इस पे रखते हैं भाई साहब। तो करीब जो हम लोग का करंट रेटिंग आ रहा है वो आ रहा है करीब 140 मिली एम्प्स, तो मतलब 200 मिली एम्प्स के करीब, जो कि बहुत ज्यादा कम है। 12 वोल्ट पे अगर बात करेंगे तो 2 से 3 वाट का करंट कंजम्पशन इसका है। तो चलिए अभी थोड़ा सा इसको प्रेस करके देखते हैं कंजम्पशन कितना इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। 200, 300 भाई करीब 400 मिली एम्प्स तक हम लोग चले गए, मगर मोटर बहुत ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों टैकोमीटर पे मेजर के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेट में ना ऐसा छोटा सा एक सिल्वर का टुकड़ा लगाना पड़ेगा जो कि हम लोगों का टैकोमीटर जो सेंस कर पाए। ठीक है, तो हम लोग देखिए इस पे इस साइड पे ये वाला ऐसा एक मार्क लगा देते हैं। और ये दोस्तों हम लोगों का टैकोमीटर है। ठीक है, तो चलिए अभी मोटर को पावर देते हैं, इसका आरपीएम कितना है वो चेक कर लेते हैं। दोस्तों आरपीएम आप लोग चेक कर सकते हो, करीब अभी 123 आ रहा है, 124 आरपीएम, 124। तो दोस्तों इसका जो आरपीएम है करीब लगभग 120 आरपीएम के करीब इसका है। तो चलिए अभी जो करेंगे और एक इम्पोर्टेंट चीज, वो इसको स्क्रू से पूरा ओपन करेंगे एंड देखेंगे इसके अंदर का जो गियर सिस्टम है वो कैसा है नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा स्क्रू ड्राइवर का सेट है और ये वाला स्क्रू से काम बन जाएगा। लेट्स ओपन इट। नहीं भाई इससे तो नहीं बनेगा काम, कोई और स्क्रू देखते हैं हम लोग। दोस्तों चलिए चारों स्क्रू हो गया है ओपन। ठीक है, अभी हम लोग दिखाएंगे कि इसका गियर का क्या होता है अंदर में। तो ये वाला देखिए ये इसका गियर का पूरा सिस्टम है एंड इसका अगर ओपन कर देंगे तो बस दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा पूरा आपका मेटालिक गियर है। आप देख सकते हो इसके अंदर जो भी है सब मेटल गियर है। ये आपका देखिए इसमें मोटर में जो है ये एक वर्म गियर है जो कि इसको पूरा रिड्यूस कर रहा है फर्दर इसको एंड इधर पे आप देख सकते हो। हाँ दोस्तों, मगर ये वाला जो गियर हम लोगों ने देखा ये आपका प्लास्टिक गियर है, ये वाला प्लास्टिक गियर है, ये मेटल का है और ये वाला भी मेटल का गियर है इसमें। तो इससे ये वाला व्हाइट गियर कनेक्टेड होता है
एंड स्पीड को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है। उसके बाद ये सेकेंड एंड थर्ड रिडक्शन में हम लोग को इधर पे आउटपुट में शाफ्ट में ये मिल जा रहा है पावर। मोटर बहुत छोटा सा है एंड सिंपल सा सेटअप है इसका। ये ओम गियर के वजह से ये जो है 90 डिग्री में पावर को ट्रांसमिट कर पा रहा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए एंड अगर ये मोटर आपको परचेस करना है तो जरूर से कमेंट करिए एंड वीडियो रिसीवर से चेक कीजिए, उधर पे आपको इसका प्राइसिंग वगैरह सब कुछ मिल जाएगा।